Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है 16 तारीख हो गई है, हमारे जाने में 3 दिन रह गए हैं. थोड़ा सा सैड हो रहा है बिकॉज इट्स जस्ट सो मच फन टू बी हेयर, बट घर भी याद आता है. तो खैर चलें, अभी मैं उठी हूँ, कोई 2 बज रहे हैं और मैं देखने जा रही हूँ कि और कौन कौन घर में उठा है. बस खामोशी तो ऐसी टप लग रही है ना कि मुझे नहीं लग रहा कोई उठा. टाइम फॉर माई कोल्ड ब्रू. ये कोल्ड ब्रू जो है मुझे अली ने कराची में बना के दिया, सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट, बट आई डोंट हैव माय क्रीमर्स हियर, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा. जी गाइस, नाउ टाइम फॉर अलीज कॉफ़ी. शुक्र है इस कॉफ़ी की भी किस्मत अली ने थोड़ी चमकाई है कॉफ़ी मशीन की. ऐसी चिप चिप हो रही थी मशीन. ओ, मैं वो लाई थी ग्रीस कटर. और नहीं आई अब. ये देखो ये मशीन बीच में ना बंद कर देता हूँ थोड़ी देर, तरह के तुम लंच पे जाने के लिए इतना तैयार क्यों हुई हो. तो मैंने उसको बोला और मैं कहाँ तैयार हुआ करूँ, जब मौका मिला है थोड़ा तैयार होने का तो अच्छा है तैयार शहर होके चले. बात मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने ना एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आप ग्रोसरी भी लेने जा रहे हैं ना तो जरा तैयार होके जाए. इससे क्या होता है, इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है. अब मैंने नई शर्ट अभी भी टैग फाड़ा, मैंने अपना पजामा नया पहना, मतलब पजामा से ट्राउजर में पजामा बोलता हूँ. आप जितना अच्छा रेडी होते हैं ना उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस. और ऊपर जाना कहाँ है, घर जाना है, नीचे ऑफिस है, तो कोई रीज़न चाहिए. तो जब आप सौदा सेल्फी करने जाने तो तैयार होकर जाना चाहिए. तो खैर आज का प्लान ये है कि हम लोग फिर से जा रहे हैं यम्बा यामुना. लास्ट टाइम जब हम गए थे तो मैं व्लॉग नहीं करी थी, बट इस ट्रिप में हम लोग एक दफा पहले जा चुके हैं यम्बा यामुना. इट्स माय फेवरेटेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची. जी जिम भी जाएंगे. हाँ जाएंगे जाएंगे. तो इट्स माय फेवरेटेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची. तो मम्मा आज क्योंकि फ्री थी, पिछली दफा मम्मा नहीं जा सकी थी तो हम लोग फिर जा रहे हैं. और पिछली दफा तुम TLT इज माय फेवरेट. No, TLT is my favorite for meat, but Yamba Yamna for like continental and वो सारी चीजें. तो हम लोग जो है Yamba Yamna जा रहे हैं. फिर उसके बाद हमारा प्लान है कि अली और हमना दोनों को हम लोगों ने खिलाना है कि असल फालूदा कैसा टेस्ट करता है. तो हम बलोच आइसक्रीम का स्पेशल फालूदा खिलाएंगे इन लोगों को. फिर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग शायद डॉलमिन थोड़ा लटरम पटरम शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाएं. तो ये सीन है. तो मैंने जो है अपना सिला हुआ जोड़ा पहना हुआ है, ग्रीन सॉलिड्स वाला. ये भी आप लोगों को मैंने जब लिया था सिलवाया था ट्राई करके दिखाया था. साथ में ओजीज जो है वो इस दुपट्टे को पहचान लेंगे, नबीहा के ईद के जोड़े का दुपट्टा है. साथ में ईमान ने मुझे जो है बास्केट में वो दिए थे झुमके, वो हैं. साथ में जो है मेरे नए जूते हैं. अब आप लोगों को जरा शीशे में भी दिखा देते हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज द दुपट्टा, दिस इज माय जोड़ा, माय झुमके, एंड दिस इज माय फुल लुक्स. चलिए जी गाइस, हम लोग आ गए हैं Yamba Yamna, आवर फेवरेट. स्टार्टिंग आवर एपेटाइजर्स विद दीज कोकोनट क्रस्टेड प्रॉन्स, हम पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं. और ये तो हमारे फेवरेट हैं, देयर पार्मेजान ट्रफल पार्मेजान फ्राइज. चलिए जी, आवर फूड इज हेयर. मेरी पार्मेजान चिकन ही लास्ट टाइम मान ने ट्राई की थी, बहुत ज़बरदस्त थी. अली हैज़ अ बीफ एंड मशरूम फेटुचिनी विच अली हैज़ रेटेड अ 9 out of 10. टूनियो हैज़ अ ग्रिल पार्मेजान चिकन. हमना हैज़ अ सन ड्राइड टोमेटो हैलपिनो चिकन एंड मम्मा हैज़ अ रोज लीफ सैंडविच. मम्मा आपका सैंडविच कैसा है? नाइस, वेरी नाइस. ये भाई जब आपकी फूड रिकमेंडेशन सबको पसंद आए ना, 10 out of 10. यस, होटल मिला के इन ऑल द डेजर्ट्स आ गए हैं. दिस इज द ब्रेड पुडिंग, दैट इज मम्मा स्टिकी टॉफी पुडिंग, जिसकी वो एक एस्थेटिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी. बन गई है. मुझे गर्म क्यों नहीं है? नहीं गर्म. और अली जो है ना बकरा ही कुछ खाता है. जब इतनी कुकी मास्टर तुम्हारे बराबर में बैठी हुई है तो तुम्हें क्या जरूरत थी घर की मुर्गी दाल बराबर. ओह माय गॉड, बट द ब्रेड पुडिंग वाज द बेस्ट. इवन टॉफी पुडिंग 10 आउट ऑफ 10 फॉर द ब्रेड. टॉफी पुडिंग मैंने चखी नहीं. गाइस, अब खाना पीना करके हम डॉलमेन आए हैं. और ये हम आप लोगों को सीक्रेट बता रहे हैं, ये हम अपने लड़के को ना उतार रहे हैं यहाँ पे, सही है, ताकि लड़का उतर जाए. अब हम लोग जाके जो है लेडीज इन द पिंक पार्किंग में पार्किंग करेंगे. ओनली लेडीज पिंक पार्किंग में.
ये भाई पाकिस्तान के अलग प्रिविलेजेस हैं। अच्छा निकल कि लेडीज पार्किंग्स भी होती हैं यहाँ पे। नहीं बाहर तो मैंने नहीं देखी, बाहर डिसेबल्ड होती हैं बट लेडीज तो नहीं होती। नो ऑल इक्वल्स आउटसाइड। कैसा लगा आपको गाड़ी से निकल के? बड़े ड्रिप लग रहे हैं आप मिस्टर। अब हम आए डॉलमेन शॉपिंग करने के लिए। मैडम ने एक पैंट लिया है, मैंने चार पांच शर्टें ली हैं, आपने क्या लिया है? वेयर्स हमना दैट्स बिकॉज यू आर छोटी। तू नहीं वही पूछे हमना कहाँ है शॉपिंग? अगर ये बोला ना कि सारे मेरे, अगर ये ना बोलना। मैं नहीं बोला, मैं तो बोली शॉपिंग हो गई हम दोनों की। ये सिर्फ छोटू सा मेरा है, अली दोनों सेम ही साइज के हैं। मैंने कहा इससे पहले कहनिया बोले कि देखें अली हम तक की शॉपिंग करके निकला है। मैं कुछ नहीं बोला ऐसा, मुझे डैडी की तरफ से खाड़ी से जोड़ा लेना है खड्डी से। गाइस और ऊपर से सब शो ऑफ बोलते हैं, शो ऑफ तो कोई नहीं किया है। यू डन? यस ब्रो। द क्विकेस्ट डॉलमेन ट्रिप एवर इन एंड आउट। हम नहीं जा रहे इंसिग्निया, कुछ गाड़ी से जूता निकाला ही नहीं। गाइस अब हम लोग आए हैं अली को दिखाने के फालूदा क्या होता है असल में। खा लिया तुमने? खा लिया वो स्ट्रॉ से? मैं व्हाट? हाँ उसके अंदर थोड़ा रबड़ी रबड़ी भी होती है। सेवैया होती हैं, एक ही बात हुई ना। अली ने चखा नहीं अभी तक। आइसक्रीम को डाली हुई है? आइसक्रीम होती है फालूदा है। अली कैसा लगा? वेरी नाइस। क्या वेरी नाइस? आवाज नहीं आई। वेरी नाइस बट कुल्फी क्यों नहीं है? कुल्फी नहीं है ये फालूदा है, इसमें रोज आइसक्रीम होती है। मजे का ना, मीठा इतना परफेक्ट है। हाँ। भाई अली के दूसरे मामों से मिलके जो है हम वापसी पे जो है जा रहे हैं, आए हैं थर्स्टी पीने के लिए। हमना को पीच थर्स्टी माय फेवरेट। खोलना स्ट्रॉ का वो उतारना। यहां से निकले मुझे डर लग रहा है। वेलकम बैक टू डे टू। चार दिन से वेलकम बैक टू डे टू ऑफ दिस ब्लॉग। कल जो है बड़ा ही मज़ा आया एज ऑलवेज, रोज ही मज़ा आता है। हल्ला गुल्ला रात में, चिलिंग्स शिलिंग्स, हमने कसौटी खेला, हमने क्या कहते हैं कसौटी खेला, हमने एक मछली पानी में गई छपाक छपाक खेला, हम लोगों ने इतनी गेम्स खेली, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। बाहर गए तो आज का हमारा प्लान है फाइनली हमना को केमाड़ी लेके जाना है। उससे पहले मम्मा वांट्स टू टेक एवरीवन टू बुद्ध बाज़ार फॉर सम रीज़न, और इतनी गर्मी हो रही है। मैं लास्ट टाइम जब तुनिया को बुद्ध बाज़ार लेके गई थी तुनिया बेहोश हो गई थी, इसमें मम्मा को बोल रही हूँ बार बार ना लेके जाएँ उसको, ना लेके जाएँ उसको, ना लेके जाएँ। बट चल देख लेते हैं, उसके साथ कोई वाटर पैक शॉटर पैक ले जाएंगे। तो अली भी जो है, अली को भी बड़ा शौक हो रहा है बुद्ध बाज़ार जाने का, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। अभी हम लोग उठे हैं थोड़ा थोड़ा करके, एक एक बंदा उठ के आ रहा है नीचे। वेल आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंजॉयिंग माय कॉफ़ी। चलें जी गाइस हम लोग जा रहे हैं बुद्ध बाज़ार के लिए, तैयार हो गए हैं। साथ में मेरा टू गो नाश्ता विच इज़ बटर टोस्ट चटनी, साथ में रिफ्रेश के लिए थर्मल स्प्रे। ये बेहोश होगी आई एम श्योर, एंड मी इन एन अबाया बुरका मास्क। गाइस बुद्ध बाज़ार की तो अली ने फिट सी वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रा एक रन थ्रू दिखा दूं। ये ज़रा परफ्यूम की कॉपियां शॉपियां हैं, ये बैग्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, ये नेल मेकअप जो आपको कभी नहीं लेना चाहिए यहाँ से, बर्तन जो है ना वो सबसे फिट लगे। मैंने भी दो बड़े क्यूट से कॉफ़ी ग्लास लिए हैं बड़े बड़े से, एंड ये अम्मा रुक गई हैं कोई पतीला देखने के लिए। सम मोर बैग्स। अब हम लोग आए हैं कराची की अल मशहूर फरहान बिरयानी पहलवान कोटवली खाने के लिए। भाई आई हैव बीन क्रेविंग अ गुड कराची बिरयानी फॉर सो लॉन्ग एंड दिस हिट ऑल द स्पॉट्स। कमर को जाने में से पॉपी को मैं मसाज दे रही हूँ, पॉपी को तो भाई सही मज़ा आ रहा है। लुक एट हिम गेटिंग सो स्लीपी। किस तरह का सीन चल रहा है? कौन सी पार्टी चल रही है? ईमान ईमान डंपलिंग्स खा रही है, हम उसको देख रहे हैं पॉपी पहले। पॉपी पॉपी इधर आ जाओ। सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे टू ऑफ दिस व्लॉग।
कल जो है बहुत मज़ा आया. मैंने इतना ज़्यादा कल इसलिए डिटेल में नहीं व्लॉग किया बिकॉज अली वॉज ऑलरेडी व्लॉगिंग. तो हमारा जो बुद्ध बाजार का ट्रिप है, किमाड़ी का ट्रिप है, ये दोनों जो है आप बहुत अच्छे से अली के व्लॉग में देखें. जो हॉरी बैठे हैं हमारे साथ में, क्यूरी हॉरी. और आज का हमारा ये सीन है कि आज हमना को जो है हमें लेके जाना है खाने पे. शी वॉज रियली 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 इंसिस्टेंट परसिस्टेंट. मैंने बस कहीं लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है. मैं बोला सही है. तो अभी तो मैं और अली जा रहे हैं हम लोग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, समीद फ्रॉम मलेशिया. तो वो भी कराची आया हुआ है, हम भी कराची में थे तो वी जस्ट हैड टू मीट. तो वी आर गोइंग टू मीट देम और फिर उसके बाद घर आके थोड़ा चिल चिल करके, थोड़ा जब लेट हाई टी का टाइम हो जाएगा सपर का, तो हम लोग जाएंगे ममीश. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. इजी जो पहले होता था उसको उन्होंने पता नहीं रीब्रांड करके ममीचे ममीश कर दिया है. एंड वहाँ पे हम लोग हमना की तरफ से जाएंगे. इजी खत्म हो गया. हाँ, हालांकि मेन्यू वगैरह सब सेम. आई डोंट नो व्हाई दे डिड इट. हाँ, और फिर उसके बाद रात में हम जाएंगे बंस रोड फाइनली. तो वी विल कीप यू अपडेटेड, पोस्टेड, टेक यू विद अस इंशाल्लाह. आज हम लोगों ने अपना कॉफी स्पॉट थोड़ा चेंज किया है क्योंकि हमारे घर के पास एक कोही खुला है, तो हम कोही ट्राई करें. आज वैसे तो हमने ट्राई किया है, वी रियली लाइक टू डिफेंस वाला, बट आज हम लोगों ने बोला चले कोही आता है. ये भाई अली का कोर्टाडो और मेरा स्पेनिश लाटे. आई जस्ट हैड अ सिप एंड इट्स रियली 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 नाइस. थ्री देसी पर्सन व्हेन द बिल कम्स. लड़ो थोड़ा और. टेक्निकली हाँ, वैसे वो भी कराची का ही है. हाँ, लेकिन वो मैंने यही बोला है, मेरा शहर है तो हमारा शहर नहीं है. नहीं, मेरा तो है. लेट्स सी. ब्रो कहाँ है? ब्रो कहाँ है? ऊपर से ये ले. ये मेरा इधर से इधर से लेने वाले. बाहर का है. अबे वो बाहर से है. ज़्यादा कौन लग रहा है बाहर से? वो बाहर के लग रहे हैं ना ज्यादा. वो बाहर का कार्ड है मेरे भाई. अरे बैंक कौन सा पाकिस्तानी है? अल्फला पाकिस्तान का एक गेम है. अब भाई हम लोग आए हैं नमीश बाय इजी. हमना रियली वांटेड टू टेक अस आउट, सो दिस इज द प्लेस आई विल चूज. और क्या 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 और वो भाई इजी के डोनट्स पर है. मैं आईज ऑन. फाइनली अली को ले आए आलमगीर स्टोर. तुम्हें याद आ गया कि तुम वीडियो बना रही थी? टू बाय हिज कॉफी ग्लास जो ये कब से ढूंढ रहा है. हाँ, मुझे जिराफ बलून चाहिए. ईमान मैं नहीं ले रही हूँ जिराफ बलून, चुप करो. ने तो नहीं लिया अपना ग्लास, बट ये हमना ने बेकिंग का अपने टेंस ले लिए. गाइस अब हम लोग घर आ गए और हम लोग खा रहे हैं दरबारे शीरे की रस मलाई, द बेस्ट रस मलाई एवर. और यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट. गाइस अगर आप लोगों ने नम्स केकरी का लोटस थ्री मिल केक नहीं खाया, आप लोगों ने कुछ नहीं खाया. ईमान थ्री मिल केक खाती भी नहीं है. एंड लुक एट ईमान, इट इज लिजिट द बेस्ट केक यू विल एवर 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 हैव. लिंक मैं लगा दूंगी नीचे. इट इज़ सो गुड. और अब इन्होंने अपना कोई नया फ्लेवर भी लॉन्च किया है, कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी थ्री मिल केक, एस्प्रेसो थ्री मिल. आई हैवंट ट्राइड दैट येट. वो चखती हूँ मैं जाके नीचे. ये भाई हम लोगों की चल रही है रात में कबाब रोल पार्टी. मम्मा बना रही है हमारे लिए अपने फेमस गार्लिक मेयो कबाब रोल. ये भाई हमारी मिड नाइट पराठा रोल पार्टी हो रही है. डॉन का पराठा, केनन्स के सीख कबाब एंड होममेड गार्लिक मेयो. गाइस हम जब से ना पप्पी हमारे साथ सो रहा है और ये चेक करें, ये पप्पी को जब प्यार चाहिए होता है ना, पप्पी ऐसे ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती करवाता है प्यार. मेरा गुड्डा, मेरा शेरजादा. अभी देखिए मैं रुकूंगी, फिर उठ जाएगा प्यार लेने के लिए ज़बरदस्ती. Assalamu alaikum everyone, welcome back to day 4
और द लास्ट डे ऑफ दिस व्लॉग। भाई एज ऑलवेज कल बड़ा मज़ा आया, बाहर गए हम लोग, खाना पीना खाया। हम लोग जहाँ खाने पे गए थे ममीश, उनका खाना तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, लाइक आर फूड, दैट्स वाई मैं वहाँ पे ब्लॉग भी नहीं किया मैंने, बिकॉज हम ना हमें लेके गई थी बाहर, एंड बेचारी वो इतना सैड हुई थी बिकॉज द फूड वॉज सो बैड। सिर्फ मेरा पिज्ज़ा और ईमान का सैंडविच अच्छा था, वरना अलीज़ फूड स्मेल्ड एगी, द ड्रिंक्स वर ऑफुल, हमना का सैंडविच ऐसा पिलपिला सा था, बहुत बुरा सा, और क्या कहते हैं नबीहा का भी सैंडविच अंडे से भरा हुआ था, क्लब सैंडविच, और हम तूनियो का भी बर्गर वॉज वेरी मिड एंड स्टफ। तो ईजी जब पहले होता था, वी यूज़ टू हैव अ रियली गुड एक्सपीरियंस देयर, आई डोंट नो व्हाई दे रीब्रांडेड इट और व्हाट, जो भी किया उन्होंने, बट बहुत ऑफुल ऑफुल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जो है हम लोग रसमलाई खाने गए, हम लोग रसमलाई लेके आए सबके लिए, खाने नहीं लेके आए, सबने साथ ही बैठ के खाई, एंड ग्रीनो भी पिया। फिर उसके बाद वापस आके बड़ा हंसी मजाक हल्ला गुल्ला हुआ, एंड आज जो है द डे हैज़ कम, हम लोग वापस जा रहे हैं आज। और ऊपर से हमारी जो फ्लाइट है वो एयर ब्लू ने प्री पोन कर दी, सो हमारी फ्लाइट 8 बजे थी और उन्हें प्री पोन कर दी 6 बजे कर दी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इस्लामाबाद में शायद बारिश हो रही है, ये क्या सीन है, तो दैट गिव्स अस इवन लेस टाइम। अब उमर जो है, हमारे उमर साहब ने फरमाइश की है कि हम उनके लिए कराची बिरयानी लेके आए, तो हमने उनके लिए फरहान बिरयानी मंगवाई और साथ में बीफ बिरयानी भी मंगवाई है सबके लिए, घर के लिए, तो हम घर जाके वो खाएंगे। अभी ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर तैयारी करते हैं जाने की। इतवार बाज़ार वाली भी शॉपिंग हमने पैक करनी है अपनी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, तो वो भी पैक करते करते दिखाते हैं। आप तो बस मेरे साथ 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 हर जगह आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, ये है भाई नम्स केक का एस्प्रेसो 3 मिल केक, एंड आई जस्ट हैड अ बाइट एंड आई एम लिटरली ब्लोन अवे यू गाइस। अब ज़रा अली के अंडे बनाते हैं, वो मेरी साइड पे खूबसूरत सी कॉफ़ी जो कि पिघल रही है। गाइस हमारी मिनी बुध बाज़ार शॉपिंग में ये 3 तकिए थे विच आर अपेरेंटली वेरी नाइस पिलोज, ठीक है ना। अली स्कोर्ड अ फ्रेंच प्रेस फॉर लाइक 450 रुपीज़। मैंने 2 कॉफ़ी ग्लास लिए थे विच आर टेक्निकली लाइक बियर ग्लासेस, बट आई थिंक दीज वुड बी ग्रेट फॉर कॉफ़ी बिकॉज दे आर डबल वॉल्ड एंड दे आर रियली बिग। तो ये एक है और एक जो है ये है ये वाला, ये थोड़ा इसका शेप डिफरेंट है, एंड देन अली गॉट अ ग्लास फॉर हिमसेल्फ। इसमें से पता नहीं कौन सी लाटे आर्ट प्रैक्टिस करनी है, बट ये एक अली ने लिया है। सो ये हमने 3 ग्लास लिए हैं, और मैंने जो है 2 इयररिंग्स लिए थे, वो नीचे शायद मम्मा के पास मैं आपको दिखाऊंगी। दैट इज़ अबाउट इट। इन मिस्टर की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई आज, गंजो खा रहे हैं हफ्ते से। पपी क्या कर लियो आप? जी गाइस नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, ऑल सेट टू लीव। सबसे पहले हमें 2-3 काम हैं, मम्मा को हमना के लिए एक सूट लेना है, डैडी ने मुझे बोला है कि आप अपने लिए खाड़ी से एक सूट लो मेरी तरफ से, फरहान बिरयानी पिक करनी है उमर की, हमना को ज़रा पार्लर छोड़ना है फिर ब्लू ड्राई और मैनी पेटी और समथिंग, और मैं जो रात का बचा हुआ कबाब रोल खा रही हूँ फॉर ब्रेकफास्ट, एंड जस्ट वेटिंग फॉर एवरी वन टू कम डाउन सो वी कैन लीव। खाने की चीज़ों हाथ में और ये मिस्टर ना खड़े हुए हो सामने, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉपी क्या चाहिए, क्या चाहिए? पराठा चाहिए, उस पर गार्लिक मेयो लगी हुई, आप नहीं खा सकते, ये लो साफ वाला। ओप्स, मैं आई हूँ भाई खाड़ी अब डैडी की तरफ से कोई जोड़ा लेने के लिए, एंड सरप्राइजिंगली खाड़ी पर बहुत क्यूट 3 पीसेज आए हैं फॉर 7,000 रुपीज़ विद सच अ नाइस शिफॉन का दुपट्टा। तो अब ज़रा ये मुझे बड़ा क्यूट लगा आउटफिट, इट्स अ 2 पीस, बट ये 3 पीस है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है, इसका दुपट्टा इतना अच्छा है, बिल्कुल अच्छी वाली शिफॉन होती है ना वो है, द कलर सो समरी। दिस वाज द आउटफिट दैट आई ओरिजिनली केम वेयरिंग, ये मैंने जो है सिलवाया था अपने दर्जी से, अब डैडी ने जो है क्योंकि मुझे अपनी तरफ से सूट लेने को बोला है, सो दिस इज़ द वन आई गॉट, और ये पहनती हूँ, जाके उनको दिखाती हूँ, सरप्राइज़ करते हैं।
डैडी की तरफ से जोड़ा मैंने ले लिया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस वी जस्ट गॉट होम और ये आप लोग गेस करें कि ये तीनों कौन है। डैडी ये देखें मैंने आपकी तरफ से जोड़ा ले लिया। डैडी को भाई मैंने नींद से उठा अच्छा दिया। हाय सोनिया बच्ची एक दिन के लिए भी आऊंगी उसके बाद वापसी भी आऊंगी। ओके डन बाय। ओके अच्छा ओके गिरना नहीं दुनिया प्लीज। गाइस ये घर लेके जाने के लिए जो है हमारी बिरयानीज भी आ गई हैं फरहान बिरयानीज। बाय शैगी बाय मेरा बच्चा सी यू सी बाय। ठीक है गाइस वापस जाने के लिए तैयार हैं। दिस गाय इज एडिटिंग हिज व्लॉग। हम यहाँ बैठे हुए अपनी बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। हमने नबिया की तरफ से कोई नोट पढ़ी है एंड हमारी फ्लाइट थोड़ी सी डिले है तो 6 o'clock हमने टेक ऑफ करना था। अभी तक हम लोगों की बोर्डिंग भी नहीं हुई है। इट्स अ नाइस सनी डे दो। चलो चुका है टाइम टू बोर्ड और सनसेट इतना खूबसूरत हो रहा है। I don't know what the scene is with Air Blue, but literally टांगे क्रॉस नहीं हो रही है, टांगे पूरी भी नहीं आ रही। लाइक व्हाट इज दिस। गुड लक टू यू। आई होप ये सामने वाली सीट पीछे ना करे वरना तो हो गया काम मेरा। कर ही नहीं सकते गाइस अगर यहाँ पे ना खाना जब आएगा खाना खाऊंगा ही। अगर आपको 2,000-3,000 रुपये ऊपर दे के 2,000 एयरलाइन मिलती है ना प्लीज़ ना एयर ब्लू पर ट्रैवल ना करें। ये मैं नॉर्मल बैठा हूँ ठीक है। ये नॉर्मल अभी उन्होंने सीट अपने पीछे भी नहीं की है और ये मेरे गोडे जो है ना मेरे गोडे गिट्टे यहाँ पे लग रहे हैं और मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार हम तो गुजार लेंगे आप कैसे गुजारेंगे। ये ऐसे करके हम बैठे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज एयर ब्लू का इस्तेमाल बहुत करें। निकाल दिया मेरे जहाज से डिफेमेशन के लिए मैंने रिकॉर्ड किया। फूड गाइस अली रेयर ओकेजन में अली सलाद। आई हैव नेवर सीन हिम ईट अ सलाद इन माय लाइफ। दिस इज द ओनली थिंग आई कैन ईट। थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। ठीक है गाइस वी हैव लैंडेड इन इस्लामाबाद। हां आ जाएंगी तो आ जाएंगी। सीमा कलर कैसी है? बहुत अच्छी है ना। ड्राई नहीं है वो बीफ वाली ज्यादा मजे की है। हाँ ये बीफ ही है दोनों बीफ। आ जाओ इधर नहीं इधर आओ आ जाओ आ जाओ डर रही। ये भाई अम्मा अपनी कराची शॉपिंग दिखा रही है अम्मा को। ये तो लग रहा है बुद्ध बाजार में वापस आ गई हूँ। मुझे तो याद नहीं रहा मैंने तो पान मंगवाने थे। अच्छा हुआ नहीं याद रहा। के होते हैं पान चुपता के तो मुझे खुद बनाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ दिस व्लॉग। कल जो है हम लोग पहुँच गए थे खैर खैरियत से। मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हो रहा है इस्लामाबाद में। व्हेन वी लैंडेड इट वाज 16 degrees और बारिश हल्की हल्की हो रही थी। बाहर हम रूनो को वॉक पे लेके गए लिटरल थोड़ी ठंड लग रही थी एंड इट्स जस्ट सच अ ब्लेसिंग कि मई शुरू होने वाला है एंड द वेदर इज स्टिल सो नाइस एंड नॉट हॉट एट ऑल। तो खैर हम लोग आए हम लोगों ने बिरयानी खाई हम लोगों ने
बातें शातें की, सब क्या चिल किया। फिर मैंने और अली ने रात में जो है क्या कहते हैं शो देखा अपना, हम लोग सो गए। अभी हम लोग उठे हैं एंड यू ऑल नो ऑलरेडी व्हाट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट। जी गाइस, माय कॉफ़ी इज़ रेडी, जस्ट ट्राइंग टू गेट सम ब्लिसफुल वर्क डन, बट माय लैपटॉप इज़ आउट ऑफ बैटरी एंड ऑल्सो वेरी डर्टी, सो आई एम गोना लेट दिस चार्ज अ बिट। जी गाइस, कॉफ़ी शॉफी पी के उसी गंदी बंदी हालत में जो है मैं निकल रही हूँ जल्दी से नबिया की सिम लेने के लिए, बिकॉज़ यूफोन फ्रेंचाइज जो है वो बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा बेचारी उसको, मैंने कब से जब से उसने अपना फ़ोन लिया है तब से शी हैज़ नो सिम, बिकॉज उसकी सिम मेरे नाम है और मुझे उसको निकलवा के ई सिम देनी थी। सो आई एम गोना क्विकली गो डू दैट। आज जो है मैं एक मैक्रो ट्रैक थाई ग्रीन करी बना रही हूँ फॉर अस, बिकॉज़ वी आर बैक ऑन अ डाइट फ्रॉम टुडे एंड वर्कआउट इंशाल्लाह हम मंडे से शुरू करेंगे। तो जल्दी से ज़रा सिम लेके आते हैं, थाई ग्रीन करी के लिए बेबी कॉर्न पिक करते हैं एंड लेट्स गेट ऑन विद आवर डे। चले जी गाइस, सिम भी ले ली, बस मुझे ग्रीन करी की बाकी तो चीज़ें मेरे पास थी, मुझे बस ये बेबी कॉर्न चाहिए था जो मुझे कट हुआ वही मिल गया, विच इज़ विन विन। एंड देन आई गॉट माई सेल्फ दिस ड्रिंक। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये ट्राई की होगी, बट इसके अंदर जो है ना वो नाटा डी कोको कोकोनट जेली होती है, दिस इज मेलन फ्लेवर ड्रिंक एंड इट्स सो नाइस। मैंने किसी और ब्रांड की ट्राई की है, मोको मोको की, ये कोको क्वीन की जो है पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, लुक्स लाइक इट्स थाईलैंड की। तो बस अब चलते हैं जी घर। Hey guys, we have started making our green curry. और पहले आप इन स्टड मफिन को तो देखें जरा, बाल शाल कटिंग शटिंग, नए शाये कपड़े जूते, माशाल्लाह माशाल्लाह, गोल घूम जाओ पूरा। वो देखे जरा बुनीश, आपको देखे जरा कोई आके बैठ गए मोटा डॉगी। अच्छा जी, सो फॉर द ग्रीन करी सबसे पहले हम जो है ये मैं सूरी का लेती हूँ थाई ग्रीन पेस्ट, इसको थोड़ा सा जो है ऑयल स्प्रे करके हम फ्राई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ होता है, लेमन ग्रास वगैरह सब होता है। तो ये जब थोड़ा सा, वैसे तो तेल बहुत कम है बिकॉज दिस इज़ अ मैक्रो ट्रैक्ट वर्जन, तो उसको थोड़ा सा सॉटे ही करना है आपने। तो आपने जो है उसमें एक कप पानी डाल लेना है और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल लेना है। आई एडेड अबाउट 1 टेबल स्पून, बिकॉज मेरे पास है 700 ग्राम मुर्गी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स होकर बबल होने दें। जी फिर हम लोगों ने उसमें डाल दिया बट 200 ml ऑफ कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डलता है बट वी डोंट हैव द कैलोरी अलाउंस फॉर इट। तो अगर आप लोगों के पास है, आप नॉर्मल वर्जन बना रहे हैं तो आप लोग डाल लें। जी मैंने डाले 3 sachets ऑफ स्टीविया, वैसे तो शुगर डलता है बट सिंस वी आर ऑन अ डाइट। और ये बुनी साहब के लिए जो है वाटरमेलन कट रहा है मोटे डॉगी के लिए। डाउन, ये ट्रेनिंग की है। क्या बात। जो लाइम लीव्स हैं ये थोड़े से तोड़ के क्रश करके डालेंगे, मैं कराची से ही ले आई हूँ। जो मैं कराची के लिए लाई थी, बट दे स्मेल सो नाइस। हमारी सॉस में पहला बबल आ जाए ना तो हमने अपनी उसमें चिकन डाल देनी कच्ची क्यूब। डालने के बाद भाई हम इसको ढक देंगे एंड ढक के हम लोग इसको फॉर अबाउट 10 to 12 minutes पकने देंगे। जब आपकी चिकन गल जाए तो यू कैन ऐड योर चॉइस ऑफ वेजीज। आई एम एडिंग मशरूम्स, स्नो पीस एंड बेबी कॉर्न। मैंने अपनी वेजीज डाल दी हैं अलॉन्ग विद सम बेजल लीव्स। अब इसको ज़रा 5 मिनट के लिए और सिमर होने देंगे एंड देन आवर थाई ग्रीन करी इज़ रेडी। जी गाइस, खाना शाना बना के नाउ टाइम टू वॉच पाक वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरा T20। पहला तो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था और इस वाले में तो बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग चल रही है भाई पाकिस्तान की। 65 पे 6 आउट कर दिए न्यूजीलैंड के ब्रो। जी गाइस, हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो महफिल से आए एंड ही इज़ लाइक आई फील लाइक गोइंग टू उमर खयाम। मैंने बोला चलें जी, मैंने जो ग्रीन करी बनाई है इतनी मेहनत से वो जाए भाड़ में, हम आपको उमर खयाम ले जाते हैं। आज वैसे ही वीकेंड है, थोड़ा सा आप इन्जॉयज द लाइफ कर लें। तो अब हम लोग जो हैं ज़रा क्विक सा तैयार, तो खैर मैंने सिर्फ लिपस्टिक और मस्कारा लगाया, ज़रा ग्लो के लिए हम लगा रहे हैं अपना थर्मल वाटर स्प्रे और हम लोग चलते हैं उमर खयाम। अम्मा नहीं जा रही, उनका नहीं मूड हो रहा, तो मैं हमना सीमा खाला एंड अली हमजा बलूशी हम लोग जा रहे हैं चुल्लू कबाब खाने। हाँ, बैंगन वाला कश्के बदम जान और वो स्पिनच वाला, ये रोटी का गरम गरम होती है।
भाई हमारे गरम गरम चूल्लू कबाब विद अनार राइस बटर आ गए हैं एंड अली ने तो ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया। लेट्स टेक इन चलें जी गाइस, घर आके आई एम वॉचिंग दिस न्यू शो दैट माई फॉलोअर रिकमेंडेड, बेबी रेंडियर, और यहाँ जो है अली साहब सो गए हैं, सो आई एम वॉचिंग द शो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे। आई एम लिटरली रिकॉर्डिंग द एंडिंग ऑफ दिस ब्लॉग। इससे पहले कि मैं अल्लाह हाफिज़ करूँ, मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ज़रा एक दो बातें मेरे दिल में थी तो वो कर लूँ। सो अली ने जो है कल ये परसों आई थिंक हमारा बुध बाज़ार वाला व्लॉग लगाया था, जिसमें फॉर सम रीज़न आई डोंट नो वाई बट अली के व्लॉग्स पर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। आई थिंक इट्स बिकॉज मेरे पे जब आते हैं तो मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ और फिल्टर होकर सारे मेरे अच्छे अच्छे लोग रह जाते हैं, ही डजंट डू दैट। सो इस वजह से वो बहुत उसके जो है क्लटर होता है ऑफ रियली रियली हर्टफुल रियली मीन रियली बैड कॉमेंट्स। बट खैर एड्रेस करने के लिए, सो देर वर लॉट ऑफ कॉमेंट्स अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कि आप गरीबों से जाके बारगेन कर रहे हैं, आप गुची एलवी में जाके कभी भी ना बारगेन करें, रेस्टोरेंट्स में जाके कभी भी ना बारगेन करें, इतनी महंगी चीज़ें लेते हैं, यहाँ आपको बचत याद आई है। सो गाइज आई हैव नेवर इन माई लाइफ मेट समवन जिसने कभी भी किसी जगह पर बारगेन ना की हो जो बारगेनेबल जगह हो। ओके, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड प्राइस स्टोर एंड अ लंडा, अ फ्ली मार्केट, अ बारगेन मार्केट, जहाँ पे लिटरली पर्पज ही ये होता है कि लोग जाके बारगेन करें। एंड आई एम श्योर ये सारी मदर टेरेसा जो आके हमें भाषण दे रही थी कि कहते हैं आपको इन लोगों से बारगेन नहीं करनी चाहिए, वो खुद भी जाके करती होंगी, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक रियली बायस ऑन आवर वीडियोज, बिकॉज आई हैव लिटरली नेवर इन माई लाइफ मेट एनी वन जो कहीं पर बारगेन ना करता हो जहाँ बारगेनिंग बनती हो। ओके, इट्स अ लंडा, इज़ लिटरली मेंट, यू आर लिटरली सपोज टू गो एंड बारगेन देयर। अगर उसके बारे में नहीं आता तो वो नहीं देगा, एंड वी स्टिल एंड अप बाइंग इट एनी वेज। जो उसको एक प्राइस रीजनेबल लगती है ही कैन सेल इट। देयर सेकेंड हैंड थिंग्स ऑफकोर्स वी आर नॉट गोना गो एंड बी लाइक, हाँ ये लो 5,000 रुपये ले लो इसके लिए रख लो, सो प्लीज़ सेव इट। और दूसरा जो है कि कहते हैं हमें लोग बोल रहे थे कि आप तकिए ले रहे हैं, आप इतनी आप ये इस महंगी स्किन केयर लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी चीज़ें वहाँ से लेते हैं हम उनको धुलवाते हैं, डिटॉल में भिगोते हैं, सब साफ करके अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। जस्ट बिकॉज समवन बाइज एक्सपेंसिव थिंग्स डजेंट मीन कि उसकी ज़िंदगी की तरफ से एक राइट निकल गया टू बाई चीप इन एक्सपेंसिव थिंग्स। ओके, सो जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट आउट। आज जो है मैं व्लॉग एंड करने लगी हूँ, नया शुरू करूँ, इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग डे फॉर मी। तो आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।